लेवल का फ्यूज देखो देखियो तो टेन टेन बिहार के भागलपुर जिले में कुदरत का हैरत अंगेज कारनामा देखने को मिला। दरअसल मुख्यालय से 30 किमी दूर गोड़ा डी प्रखंड के हरचंडी गांव स्थित बदारी बहियार में एक ऐसा रहस्यमय कुआं मौजूद है जिसके पानी को देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। दरअसल धान के खेत के बीचों बीच एक ऐसा कुआं है जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा है और अब अचानक उसमें पानी आ जाता है और पानी भी साधारण नहीं। कुएं का पानी लगातार उबल रहा है जो लोगों को अचंभित कर रहा है। ताजुब की बात यह है कि उबलता हुआ यह पानी गर्म होने की जगह बिल्कुल ठंडा है। गांव के एक युवक ने सीढ़ी के सहारे कुएं में उतरकर देखा तो पानी से ऊपर की ओर दबाव बना रहा था लेकिन जल स्तर में वृद्धि नहीं हो रही थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। आश्चर्य की बात यह है कि जिस इलाके में चापाकल और कुएं का लेवल 80 फीट के करीब पहुंच गया है और ऐसे में 20 से 25 फीट गहरे कुएं में अचानक पानी कैसे आ गया। ग्रामीणों की माने तो यह कुआं 60 से 70 साल पुराना है और पिछले कई वर्षों से यह पूरी तरह से सूखा पड़ा है। ग्रामीण अभिषेक चंद्रवंशी ने बताया कि उबलते हुए ठंडे पानी के रहस्य को जानने के लिए गांव के बड़े बुजुर्ग प्रोफेसर व डायरेक्टर ने कुएं के पानी को निकाल कर उसकी TDS जांच की। जांच में यह पानी बिल्कुल पीने योग्य पाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसे पीना शुरू कर दिया और लोग कुएं पर लगातार स्नान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इसी दरमियान एक महिला ने इस पानी से नहाने से उसके शरीर से हड्डी संबंधित सभी रोग दूर होने का दावा भी किया है। उबलते हुए पानी वाले इस कुएं को लेकर कई अफवाहें भी गांव में फैल रही हैं। दरअसल गांव के ही एक महिला सुनैना देवी ने दावा किया है कि इसके पानी से नहाने से उनके शरीर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है। महिला कई वर्षों से कमर व घुटने के दर्द से परेशान थी लेकिन कुएं के पानी से नहाने से वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है लेकिन फिलहाल हरचंडी गांव में मौजूद यह कुआं चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अजीबोगरीब घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए न्यूज 4 नेशन की टीम ने भागलपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर हरचंडी गांव की ओर रुख किया। गांव पहुंचने पर दूर धान के खेत में लोगों से घिरे उस रहस्यमय कुएं पर नजर पड़ी। खेत की पगडंडियों के सहारे पैदल चलते हुए उस कुएं तक पहुंचा तो सैकड़ों ग्रामीण मिले जो खोलते हुए पानी को देखकर अचंभित थे। फिर संवाददाता ने कुएं के रहस्य को जानने के लिए ग्रामीणों से बातचीत की तो मालूम पड़ा कि वर्षों से सूखे इस कुएं में अचानक उबलता हुआ पानी आया जो बिल्कुल ठंडा है और लोग इसे पी भी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस उबलते हुए पानी के रहस्य को जानने के लिए जिला प्रशासन को विशेषज्ञों की टीम यहां भेजनी चाहिए। क्या हुआ है इस कुएं में अचानक से? कुएं में अचानक से पानी दिखाई एक महीना पहले 3 बजे का टाइम था, हम ही आ रहे थे उधर से, पानी का आवाज आया, हमने देखा, दो चार आदमी को बोले लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक लड़का प्रीतम नाम करके था, उनको बोले तो बोला चलो देखते हैं, आके देखे देखे तो हल्ला हुआ इसका। रात में करीबन 25 आदमी आया देखने के लिए, 25 से 40 दरमियान सबको देखा। रात में बिहार से सुबह से लाचे हो गया, आना जाना आदमी लगा रहा तो 2-3 रोज तक पानी रहा। 3 रोज के बीच में और चैनल बनाया, पानी पीने का आदमी शुरू किया, बहुत कोई पिया नहीं आया, उसमें पानी भी खत्म हो गया। फिर पानी आया, फिर पानी आने के बाद पिया नहाया, बहुत आदमी का ठीक हो रहा है जिसको भरोसा है विश्वास है। एक अशोक ग्राम उसकी पत्नी थी, उसका भी हाथ में दर्द था, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, पानी पीने के बाद सही हो गया, चलने फिरने लगा। पानी क्या उसमें अस्थिर है? पानी अस्थिर है, पहले पानी कम था लेकिन अभी पानी करीबन 8 फीट कम पानी है, 10 फीट। क्या नॉर्मल पानी लग रहा है? नॉर्मल पानी, बिल्कुल नॉर्मल पानी, पीने में भी अच्छा पानी लग रहा, सबको पी रहा, हम भी पिए। कैसा पानी है उसमें? पानी खोल रहा है लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा है, गर्म में है? नहीं नहीं। क्या लग रहा है, काहे खोल रहा है?
अब वो तो दैविक को है क्या है तो हम नहीं बता सकते हैं, किसी को समझ में नहीं, किसी को समझ में नहीं है। क्या नाम है आपका? नंद किशोर प्रसाद सिंह। का कुआं है ये, कितने दिनों से सूखा था और अब क्या हो गया? 4-5 साल से सूखा कुआं था, सूखने के बाद जो है मैंने कुआं में पानी उनी कुछ नहीं था, इसमें बोरिंग है, बोरिंग भी सूख के नीचे चला गया था, पानी उनी नहीं था, कुछ नहीं था इसमें, और 5 साल से कुआं बंद था। अब की बार अचानक पानी आया है, एक बार 1 महीना हुआ होगा करीब, उसके बाद 2-3 दिन यही पानी रहा, उसके बाद जो है पानी खत्म हो गया, फिर से मना पानी अपने आप। कैसा पानी है? पानी तो बहुत अच्छा है, खौल रहा है, खौल रहा है पानी, खौल रहा है तो गर्म नहीं है? नहीं, ठंडा पानी है। क्या करके देखे आप लोग, पी के देखे इसको? हाँ, पानी पी के दिखे तो बहुत ठंडा पानी है। सुने किसी का दर्द भी ठीक हो गया इस पानी? हाँ, एक तो बोल रहा है कि गांव में अशोक राम करके नाम है उसका पत्नी, पानी से नहाए तो उसका जो है मना दर्द खत्म हो गया, कमर में दर्द था बहुत दिन से, वो नहीं ठीक हो रहा था, वो कुआं से नहा तो मना दर्द खत्म हो गया। आसपास कितने कुएं हैं लगभग? 4-5 कुआं है। सब में है पानी? नहीं, सब सूखा है, इसी में खाली पानी? हाँ, इसी में खाली पानी है। क्या लगता है आप लोगों, कैसे आ गया पानी? ये तो अचानक पानी आया है, हम लोग सोचे कि गैस उस है या कुछ है, तो पानी तो खत्म हो गया 2 दिन में, लेकिन फिर कहाँ से आ गया, अचंभे वाला बात है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में ना आ रहा है। क्या नाम है? नवीन कुमार सिंह।